का काम धीरे धीरे करके हर ब्लॉक और हर सिटी तक चला गया। अभी नेक्स्ट लेवल के ऊपर हमने अबाउट 10,000 पॉपुलेशन के 60,000 मंडल एंड 60,000 के लगभग ही बस्ती हम बोलते हैं नगर के अंदर ये बनाई, और मंडल के अंदर 7-8 गांव रहते हैं। तो जिन मंडल गांवों तक बस्ती तक काम पहुंच गया वहां मंडल बस्ती तक के बाद उसके भी नेक्स्ट 2,000 की उप बस्ती हम मांगते हैं। तो प्रैक्टिकली संघ का सोच ऐसा है कि हर फैमिली तक हमारी रीच होनी चाहिए। तो अभी अपने एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 1,20,000 मंडल और बस्ती है, लगभग 60-65,000 मंडल बस्ती तक अपना पहुंच है, इसको थोड़ा और बढ़ाकर 1,20,000 तक जाना, और जहां पर ये काम है वहां हर उप बस्ती तक जाना, हर गांव तक जाना, ऐसा अपना एक्सपेंशन का एक फोकस है। ये एक दूसरा एक्सपेंशन का फोकस है, क्योंकि हम समाज बदलना तो केवल संघ नहीं कर सकते, तो लाइक माइंडेड ऐसे जितने पीपल है, ऑर्गेनाइजेशन है, समाज देश के लिए अच्छा छोड़ने सोचने वाले लोग, ऐसे सब लोगों से नेटवर्किंग करना, और नेटवर्किंग करके ऑन द इश्यूज ये सब नेटवर्किंग हो सकती है। और खासकर इस कोरोना के कालखंड में लोगों के मन में भारतीय जीवन पद्धति, पर्यावरण, ऐसे सब विषयों पर अवेयरनेस भी बढ़ा है, इसका इंपॉर्टेंस भी लोगों को ध्यान में आया, योग, आयुर्वेद, ऐसे सारे विषय। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा एक नेटवर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करके एक सोसाइटी वाइड एक बड़ा स्प्रेड हो, ये हमारा दूसरा फोकस है। और तीसरा, समाज में कुछ वर्ग ऐसे हो सकते हैं जहां काम करते करते कम काम रह जाता है कभी कभी, उनको भी थोड़ा आइडेंटिफाई करना और उन तक उसके लिए विशेष एफर्ट्स करना। कुछ एरियाज है जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज है, तो उनके अंदर थोड़ा विशेष फोकस करना। किसी प्रांत में कोई एक जिला ऐसा हो सकता है जहां पर कुछ कम काम हो सकता है, तो उसको फोकस करना। तो ऐसे सारा जो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज या एरिया छूट जाते हैं तो उनके ऊपर एक स्पेशल कंसंट्रेशन। तो ऐसा एक ज्योग्राफिकल, एक नेटवर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, और तीसरा ऐसे जो अपने एरिया जहां कुछ काम कम है तो स्पेसिफिक सेलेक्ट करके उनमें काम करना। तो एक समाजव्यापी, राष्ट्रव्यापी, और एक समाज में सब संगठनों को जोड़कर एक ऐसा एक समाज का सामूहिक शक्ति खड़ी हो, यह संघ की दिशा है, ये अपना दिशा है।